नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 10वें दिन की कथा। दुर्वासा मुनि का उल्लंघन करके ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना करना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो, हमारी जानने की प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो कि किसी से भी कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों से तुलना नहीं कर सकते। सब मास पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के साधन कहे हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय, इस पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप आदि करने से ही सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना करना शुरू कर दो। मैंने भी इसकी आराधना और स्नान पूजन किया है। वे बोले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्ब्रीय को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे छोड़ दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति होती है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ जाओ और इसकी आराधना स्नान और पूजन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज दुर्वासा मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण पांडवों को वृतांत सुनाते हुए इतना कहकर चुप हो गए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ ऐसे देखने लगे मानो पूछ रहे हो कि तब ऋषि कन्या ने क्या कहा। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुनकर भाग्य के वश में वह मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोध करके मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण हे मुनिवर, आपका कथन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि मास सभी निरर्थक हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझा कर बताइए, क्या वैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से अच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? व्यति पात आदि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मल मास तो सब कर्मों से निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? मैं सब दुखों को पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं दिन रात विचार करके यह देखती हूँ कि जानकी पति श्री राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा कोई अन्य देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विपेंद्र, हे मुने, मैं इनको छोड़कर
मलमास की पूजा आराधना करूं? क्यों? इससे पहले कभी किसी ने मुनि दुर्वासा की सलाह का निरादर नहीं किया था और न ही इस तरह बोला था। फलस्वरूप ऋषि पुत्री के मुख से यह वचन सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। तो भी दयाद्र होकर उन्होंने अपने मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। वे सोचने लगे, यह मूर्ण बुद्धिहीन अपना हित अहित नहीं जानती। जब पुरुषोत्तम महात्म को पंडित लोग भी नहीं जानते तो फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेषकर कुमारी कन्या कैसे जान लेगी? इसने मेरा अपमान तो अवश्य किया है, परंतु यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहन करेगी? अतः इसे क्षमा करके इसे इसके हाल पर छोड़ देना ही उचित होगा। यह सभी सोच विचार करके मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त हो उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बालिके, मैं तुझे कुछ भविष्य की बातें बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले। अब मैं नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अल्लड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच सकती। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया, शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि दुर्वासा वहां से तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वतीपति शिव शंकर की तपस्या दोबारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिवजी का महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल को देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की ही पूजा करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा दशम अध्याय समाप्त।